हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि फ्रेंड्स कैसे आप अपनी फ्लिपकार्ट ऐप पर अपनी ईमेल आईडी को कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बड़ी आसानी से अपने फ्लिपकार्ट ऐप पर अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, और ये आप कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर देने के बाद आपको सबसे नीचे पांच ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको चौथा ऑप्शन देखने को मिल रहा है अकाउंट्स का। आपको अकाउंट के ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है एडिट प्रोफाइल का। आपको एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर दिख जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, आपने अपने फ्लिपकार्ट पर जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा वो आपको शो कर जाएगा, और आपकी जो भी ईमेल आईडी ली हुई वो भी यहाँ पर शो कर जाएगी। अब आपको अपनी ईमेल चेंज करना है तो इस ईमेल को आपको डिलीट कर देना है। जैसे मैंने इस ईमेल आईडी को हटा दिया है और मैंने अपनी पुरानी ईमेल को यहाँ पर दूसरी जो नई ईमेल मुझे डालनी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे मैं अपनी यहाँ पर पुरानी ईमेल डाल देख सकते हैं, मैंने नई ईमेल डाल दिए और ऊपर लिखा हुआ है सबमिट। मैं सबमिट के ऑप्शन पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं मेरी यहां से ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है। आप ऐसे ही बड़ी आसानी से अपनी पुरानी ईमेल आईडी से नई ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स।